माह रबीउल अव्वल के मौके पर उमराह करने का सुनहरा मौका। सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। तफसीलात के लिए रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 19 सितंबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। लीबिया के साहिली शहर दरीना में ताकतवर समंदरी तूफान से होने वाली तबाही के हौलनाक मनाजर। अब तक मुल्क भर में जाँबहक अफराद की तादाद 11,300 से कर गई तजावुज़। हज़ारों अफराद ताहल लापता, सैकड़ों इमारतें ज़मीन दोज। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर हो चुका तबाह। अगर इस्लाम दुश्मनी को ना रोका गया तो मुजरिम हो जाएंगे मजीद लापरवाह। न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में सदर एर्दोगान ने कहा, अमेरिका, यूरोप और भारत में बढ़ती इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी पर मुस्लिम दुनिया और तुर्किया को तशवीश। सरकारी सरपरस्ती में इस्लाम दुश्मनी किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल। खालिस्तान टाइगर फोर्सेस के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में एनकाउंटर। मौत के महीनों बाद गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर फायरिंग के पीछे होने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियां भारतीय हुकूमत और खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप के कत्ल की कर रही तहकीकात। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के तमाम इल्ज़ामात को भारतीय हुकूमत ने कर दिया खारिज। कनाडा को दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा, कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में भारत के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात छूटे। दहशतगर्दों को बचाने की है साजिश। कनाडा के सफारतकार को कर दिया मुल्क बदार। आज से पार्लियामेंट की नई इमारत में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास, साथ ही नई इमारत से कामकाज हुआ शुरू। मरकज ने पार्लियामेंट की नई इमारत को दिया पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया का नाम। पीयूष गोयल ने कहा, पार्लियामेंट की नई इमारत बन जाएगी आत्मनिर्भर भारत की अलामत। गुज़िश्ता रोज़ पीएम मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना का हुआ इजलास। करीब आते लोकसभा इलेक्शन से पहले मोदी काबीना ने दी वुमेंस रिजर्वेशन बिल को मंजूरी, जिसके तहत अब पार्लियामेंट और रियासती मुकन्ना में ख़वातीन को 33% कोटा किया जाएगा फ्राहम। पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। लोकसभा इलेक्शन में मोदी हुकूमत को शिकस्त देने बनाई गई अपोजिशन इत्तेहाद। इंडिया को लेकर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, मैं इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं। साथ ही दावा किया, अगर अपोजिशन का इत्तेहाद इंडिया के रहनुमा हमें टिकट देंगे तो उन्हें नहीं मिलेंगे हिंदू वोट। 2002 गोधरा ट्रेन सानहा, ट्रेन लूट, 59 कार सेवकों को मुबैना जिंदा जलाने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुलजमीन की अपीलों पर हतमी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट हुई राजी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, बेगुनाहों की बाइज्जत रिहाई तक हमारी कानूनी कार्रवाई रहेगी जारी। हैदराबाद में मौजूद राजस्थान कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट का दौराए हल्का असम्बली नामपल्ली, आवाम से की मुलाकात। दरगाह यूसुफैन में हाजिरी से अपने दौरे का आगाज़ किया। मुल्क में अमन एकजहती और तेलंगाना में कांग्रेस इख्तदार के लिए की खसूसी दुआ। कांग्रेस की 6 जमानतों से आवाम को कराया वाकिफ। हैदराबाद में कांग्रेस का तारीखी विजय भेरी जलसा। जलसे के बाद रेवंत रेड्डी ने किया दावा, जलसे की कामयाबी से केसीआर बौखलाहट का शिकार। कहा, केसीआर हुकूमत के सिर्फ 99 दिन बाकी और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इख्तदार के 100 दिन में 6 जमानतों पर अमलावरी को बनाएगी यकीनी। ये थी टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर उमराह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में ख्याम। 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत और तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में क़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स,
तैबा मार्केट नियर ओल्ड चार मीनार बस डिपो हैदराबाद।